हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या है सेंटेंस एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए जो आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस क्या है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स यानी शब्दों का समूह है विच मेक्स अ कम्प्लीट सेंस जो क्या है एक कम्प्लीट सेंस बनाता है जिसकी हम जिसे हम क्या बोलते हैं वाक्य बोलते हैं ठीक है कल हमने ये जाना और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है स्मॉल लेटर से कभी आप कोई स्टार्टिंग में नहीं देखेंगे सेंटेंस ठीक है और उसी तरीके से जो कैप जो आपका सेंटेंस है वो एंड होता है विद द फुल स्टॉप विद द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड आल्सो विद द क्वेश्चन मार्क ये हमने चीज़ें कल देखी ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार सो देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस एज यू कैन सी ठीक है फाइव काइंड सेंटेंस होते हैं फर्स्ट इज डेक्लेटिव सेंटेंस डेक्लेटिव को हम एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं ठीक है देन द सेकेंड वर्ड इज इम्पार्टिव सेंटेंस थर्ड इज इंटेरोगेटिव sentence fourth is exclamatory sentence fifth is optative sentence to aaj hum dekhenge there are five kinds of sentences aur wo kya hain aur इसके examples भी हम देखेंगे ठीक hai तो first is declarative sentence और assertive sentence द सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट इस कॉल डेक्लेटिव और एसर्टिव सेंटेंस यानी डेक्लेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको दिया है ही इज प्लेंग फुटबॉल ही यानी आपको पता है लड़कों के लिए यूज होता है तो ही इज प्लेंग फुटबॉल जो लड़का है वो क्या कर रहा है फुटबॉल खेल रहा है आपको एक स्टेटमेंट बना रहा है ना वैसे ही ट्रीज आर लिविंग थिंग्स की क्या है सजीव वस्तुएं हैं है ना तो ये क्या है एक स्टेटमेंट बना रहा है मेक्स अ स्टेटमेंट इज सेंटेंस आपका एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डेक्लेटिव सेंटेंस ठीक है सेकेंड इज इंपेरेटिव सेंटेंस अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं द सेंटेंस ऐसे वाक्य विच अ कमांड अ रिक्वेस्ट एन ऑर्डर एंड एन एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी इम्पेरेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर पे आप किसी को कमांड दे रहे हो या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो ठीक है जिस भी सेंटेंस में आपको ये चीज़ें दिखाई देती है कमांड रिक्वेस्ट ऑर्डर और एडवाइस वो सेंटेंस आपके इम्पेरिटिव सेंटेंस कहलाएंगे ठीक है चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ ये जो पोलाइट वर्ड्स यूज आप करते हैं कब करते हैं जब आप किससे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर यहां पे क्या हो रहा है रिक्वेस्ट देन डू नॉट प्लग द फ्लार आप क्या दे रहे हो किसी को ऑर्डर दे रहे हो या कमांड दे रहे हो आप कह सकते हो डू नॉट प्लग द फ्लार जो फ्लार्स है उन्हें तोड़ना नहीं है ठीक है तो जिन भी सेंटेंस में आप कमांड दे रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हो ऑर्डर दे रहे हो या किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वहाँ वो सेंटेंस आपके क्या कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस ठीक है नाउ द थर्ड वन इज इंटरगेटिव सेंटेंस अब ये इंटेरगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं द सेंटेंस विच आस्क आ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरेगेटिव सेंटेंस यानी जो इंटेरेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हों उसे हम क्या बोलते हैं इंटेरेगेटिव सेंटेंस चलिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे वेयर इज माई बुक मेरी बुक कहाँ है ठीक है और आप देख सकते हैं जो ये आपका एंड हुआ है ये क्वेश्चन मार्क से एंड अप हुआ है जिस भी सेंटेंस में आपका ये आप मार्क देखेंगे विच इज़ क्वेश्चन मार्क तो वो हमेशा आपके इंटेरेगेटिव सेंटेंस होंगे सो वेयर इज माई बुक मेरी बुक कहाँ है योअर बुक इज ऑन द टेबल है ना तो आप यहाँ पे आंसर भी करेंगे क्योंकि इंटेरेगेटिव है यानी आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आगे से हमें आंसर भी आएगा हाउ ओल्ड आर यू तुम कितने साल के हो आई एम टू ईयर्स ओल्ड आई एम थ्री ईयर्स ओल्ड आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंटेरेगेशन हो रहा है पूछताछ हो रही है तो so, इसको हम बोलते हैं इंटेरेगेटिव सेंटेंस ठीक है नाउ कम टू द फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है द सेंटेंस ध्यान से सुनना है बच्चों को थोड़ा डाउट होता है एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टिटिव सेंटेंस में भी ठीक है तो आपको नहीं होना है वो डाउट आई होप मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए ठीक है थोड़ा बहुत जो भी आपके डाउट्स रहते हैं लैंग्वेज में है ना तो वो क्लियर हो जाए तो आपको ध्यान से सुनना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ सडन स्ट्रांग फीलिंग ऑफ जॉय सोरो और वंडर इस कॉल्ड एक्सक्लिमेटरी सेंटेंस अब एक्सक्लमेटरी सेंटेंस कैसे सेंटेंस है ऐसे वाक्य हैं विच एक्सप्रेसेज अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो क्या करते हैं जो हम एकदम से हम कहीं जाते हैं और हमें कोई सुंदर सी चीज़ दिखाई दी तो हमारी अंदर से एकदम सडन फीलिंग नहीं आती जो एकदम से आती है तो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय भले वो खुशी की हो दुख की हो या हम किसी चीज़ को देखें शॉक्ड हो जाए आश्चर्य हो जाए वनड उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक बार और बताती हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारी स्ट्रांग फीलिंग बताते हैं भले वो खुशी की हो दुख की हो है ना आश्चर्य की हो उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये साइन होता है तो जिस भी सेंटेंस में आपको ये साइन दिखता है वहाँ पे क्या करना है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना है बट अभी मैं आपको बताऊँगी ध्यान सुनना है थोड़ा देर में बताऊँगी जो पॉइंट में आपको ये पॉइंट आपका ऑप्टेटिव में भी देख सकता है बट जब हम ऑप्टेटिव डिस्कस करेंगे तब आप समझेंगे ठीक है तो देखो व्हाट अ लवली ड्रेस कभी आप किसी की ड्रेस देखते हो मार्केट में या कहीं आप जाते हो तो आप सुंदर से ड्रेस देखते हो आप बोलते हो व्हाट अ लवली ड्रेस तो आपकी जो फीलिंग है अंदर की एकदम से आपसे निकल आती है है ना अंदर से वट अ लवली ड्रेस वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लार तो जो आपके अंदर से एकदम स्ट्रांग फीलिंग आती है ना भले भले वो प्यार की हो खुशी की हो दुख की हो तो उसे हम बोलते हैं

हुर्रे, मैच अब ये यहाँ पे खुशी आप खुशी दे बता रहे हो आप कि खुश हो आप ठीक है कि जो हम हैं मैच जीते जब मैच जीते तो कितना खुश होते हो ना हुर्रे आप बोलते हो ना वी won द मैच है ना तो ये आपका क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप एज यू कैन सी हियर द एक्सक्लेमेटरी मार्क ठीक है आई होप आपको समझ आ रहा है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताया नाउ कम टू द फिफ्थ वन विच इज ऑप्टेटिव सेंटेंस अब यह ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है द सेंटेंस ध्यान से सुनना है बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं एक्सक्लिमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव में बिकॉज ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप काफ़ी जगह एक्सक्लिमेटरी मार्ग भी देखते हैं तो ध्यान से सुनना है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसिज आ विश होप प्रेयर और अकर्स इज कॉल्ड एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर आप किसी के लिए कुछ विश कर रहे हो, होप प्रेयर कर रहे हो और कर्स इज कॉल्ड एन एक्स ऑप्टेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझोगे मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ आप क्या बोलते हो किसी को कि आप क्या है आपकी जो जिंदगी है वो लंबी रहे है ना आप किसी के लिए विश करते हो है ना या किसी के लिए प्रे करते हो तो ये किस में आएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में यानी आप जिसके लिए विश कर रहे हो होप कर रहे हो प्रेयर और कर्स वो आप सारे आपके जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ठीक है विश यू हैप्पी जर्नी जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही मंगलमय हो खुशी वाली हो ठीक है मी यू ऑल विश कम्स ट्रू आपकी जितनी भी विश हैं आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो आपकी सब क्या है सच हो जाए आप जो भी चाहते हैं वो आपको सब जिंदगी में मिल जाए ठीक है तो जिन भी सेंटेंस में आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगे विश होप प्रेयर और कर्ज वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाएगा आपको सिर्फ यह नहीं देखना है कि जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी से एंड अप हो रहा है आपको ये भी देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो है क्या वहाँ पे कोई विश या प्रेयर की बात तो नहीं हो रही है तो उसे आप ऑप्टेटिव में डालना है ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है ज़्यादा नहीं है आपको समझ आ जाएगा है ना चलिए आई होप जो भी मैंने आपको आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए आ, जो कि हमारे डिक्लेरेटिव एम्परेटिव इंटारोगेटिव यू you नो know, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस आई होप आपको समझ आए होंगे मेरी बस यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको क्लियर हो जाए है ना कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे फिर भी आपको नहीं समझ आए कि क्या, क्या 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 था वो है ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरी जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ आपको पसंद आ रही हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय